आज का शुभ संदेश इंद्रियों एवं मन का संबंध। इंद्रिय पांच है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु इंद्रियाणी। स्पर्श इंद्रिय के द्वारा चमड़ी कहलाती, उससे हम किसी भी चीज का शीत उष्ण स्पर्श करते हैं। रसन जीभ कहलाती है, उसके द्वारा जो है हम स्वाद की अनुभूति करते हैं। और घ्राण इंद्रिय के द्वारा हम सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करते हैं। और चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम देखने का जो अभ्यास करते हैं, देखते हैं। और पांचवी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो है हमें सुनाई देता है। ये पांच इंद्रियां बाहर के विषय लाती है। पांच इंद्रियों कुल 23 विषय होते हैं। ये इंद्रियों का काम है। एक इंद्री एक समय में एक ही काम कर सकती, ऐसा नहीं है कि जो आँख है सुनने का काम कर दे, या जो नाक है वह देखने का काम कर दे, या जो जीभ है रसन इंद्रिय है वह देखने का, ऐसा नहीं है। जिस इंद्रिय का जो गुण है लक्षण है वही कर सकती है। ये पांच इंद्रियां हैं। ये जो बाहर से विषय लाती है, ये विषय का क्या करती है, ये विषय लाकर के मैनेजर को दे देती है। जैसे कि किसी भी जो है प्रबंधन के अंदर मैनेजर होता है और वर्कर होते हैं। वर्कर का होता है कि काम करना, और काम के संबंधी कोई दिक्कत आती है या काम की रूपरेखा लेनी होती है वो मैनेजर से ली जाती है। तो मन है वो मैनेजर है। तो मन दो तरह के काम करता है। एक तो क्या है कि ये पांच इंद्रियों के जो 23 विषय जो उसके पास आते हैं, उनको उनका जो है वह लेकर के और आगे बुद्धि को देता है। और उसके साथ साथ में ये मैनेजर दूसरा कार्य और भी करता है कि ये तो वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्यकाल की जो है कल्पना करता है। ये भी मन का काम है। मन का काम है चिंतन करना, सोचना, ये सब मन से संबंधित होता है। जितने हमारे विचार होते हैं वो मन से आते हैं। अतः इंद्रिय और मन का घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पर आश्रित है।